कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ दोस्तों मैं हूँ आमिर खान। बदल दे किस्मत इस कार्यक्रम में रोजाना आप सभी से जुड़ते हैं। फोन लाइव हमारा एक कार्यक्रम होता है जिसमें आपके जीवन के तमाम कष्टों को, परेशानियों को दूर करने के बारे में आपको बताया जाता है, कैसे आखिर ये दूर होंगे, क्योंकि ये ज्योतिष का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर परेशानियाँ कभी भी आप लोगों को बतानी नहीं पड़ती। आमतौर पर हम ज्योतिष के कार्यक्रम देखते हैं तो छोटे ही हम ये बताते हैं कि गुरुजी ये मेरे को जानना है, ये परेशानी है, ये सब है। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है पूरा। ये कार्यक्रम सबसे अलग इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ पर केवल आपके जन्म कुंडली के आधार पर आपके जीवन का लेखा जोखा आपके सामने रखा जाता है। चाहते हैं आप भी अगर अपने जीवन की सटीक भविष्यवाणी कि आखिर आपके जीवन क्या घटनाएं घटित हो रही है तो जुड़िए, नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। तो कार्यक्रम का आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। जी नमस्कार आमिर जी, नमस्कार। दोस्तों गुरु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वक्त हो चला है आप लोगों के जीवन के बारे में बताने का। गुरु जी देखते हैं आज के पहले कॉल हमारे साथ कौन जुड़े जी। नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, नाम बताइए। रवि कुमार बोल रहा हूँ जी। जी डेट ऑफ बर्थ बताए रवि जी। हाँ मेरा थोड़ा जल्दी बोलो। दोता है 13/12/2004 12:35 दोपहर के बीकानेर का जन्म। आराम आराम से टाइमिंग दोबारा बताइए एक बार। 12:35 PM बर्थप्लेस बताइए। 13 बर्थप्लेस बीकानेर का, राजस्थान के गुरु जी। बीकानेर। आपने अपने पोते की जन्म कुंडली बनवाई भी है? हाँ जी हाँ जी। आपके पास है? अगर है भी तो मौजूद, ध्यान पूर्वक सुनिएगा गुरु जी आपको क्या कुछ बताएंगे, सवाल मत कीजिएगा जी। गुरु क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का एक बार नाम भी बता दीजिए जी। कबीर। कबीर नाम जी। जी ये कबीर की कुंडली कुंभ लगन की है, राशि इनके धनु राशि और रखे हैं। बहुत ही अच्छी कुंडली है, इतनी अच्छी कुंडली कि मैं कह नहीं सकता। इनके दशम भाव में ही बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है और एक नहीं दो दो राजयोग बना हुआ है। तो इनके जो आने वाला जिसका भविष्य है वो बहुत ही उज्ज्वल है। लेकिन समस्या, मैंने कई बार कहा है ना कि एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है, या हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को यदि फुल चेकअप करवा दें डॉक्टर के यहाँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलेगा ही। उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में जो कुंडली बनता है, कुछ ग्रहों का अच्छा योग होता है तो कुछ अशुभ योग भी होता है। जब तक उस योग को निकाला नहीं जाता तो अच्छी कुंडली के बावजूद भी बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है। अब अच्छे दिन आने वाले हैं, सभी कहेंगे टॉप की कुंडली है, टॉप कुंडली है, सुनते सुनते पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो इस तरह से आपके बच्चे की कुंडली तो बहुत टॉप का है, लेकिन इनके भाग्य स्थान में ही बना हुआ है मंगल केतु का अंगारक योग, राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य के स्थान में अर्थात भाग्य के घर में ही बना हुआ है। तो परिस्थिति क्या निकलेगा, ऐसे बच्चों को लक सपोर्ट नहीं करेगा हॉल लाइफ। आप उपाय नहीं करेंगे, ये खटेगा 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। दूसरी बात क्या हो रखा है, पंचम भाव इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी समस्या है कि चतुर्विशांश कुंडली में बना हुआ है केमद्रुम योग और दशमांश में बना है विष दोष, और एक कुंडली में चंद्राओं का बना हुआ है ग्रहण योग। तो चंद्रमा जो है मन मस्तिष्क का मालिक होता है, और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ऐसे बच्चों को लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ मेमोरी, और ऐसे बच्चे भविष्य में डालिमा में रहते हैं। इन्हें स्टडी तो होगी लेकिन जब जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो वो प्रश्न छूट जाएगा जो कि इनको मालूम था। ये ज्योतिष की गणना होती है कहने मतलब। तो इस बच्चे की जो कुंडली है एक बार आप अच्छा से बनवा दें, और इस कुंडली की जो गणना आ रही है वो सीधे ऐसे बच्चे आगे जा करके UPSC करेंगे, UPSC करके इनको IPS का पूर्ण योग बना हुआ है, और कुंडली में इनके सब्जेक्ट जो हैं इनकी गणना से ये PCM लेके पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, BTEC भी करेंगे, IIT निकालेंगे, उसके बाद तब जा करके बच्चे UPSC करके IPSC बनेंगे। बहुत अच्छा भविष्य है, उज्ज्वल भविष्य। लेकिन ये जो अशुभ योग है
जिसके कारण से मैंने कहा लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी कभी स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम देना, ये सब इनके साथ चलते रहेंगे। हम थोड़ा बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि ये कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली हो और शुक्र की महादशा, तो ये तो किस्मत वाले को मिलता है। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र की दशा बहुत अच्छा संयोग होता है, लेकिन ये शुक्र की दशा जो है फरवरी 22 में इनके ख़त्म हो जाएंगे, तब आ जाएंगे सूर्य की दशा, जो कि इसके लिए निगेटिव होगा। अर्थात अब कुंडली का गन्ना आएगा कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी पढ़ाई जो खराब होते जाएगी। यदि समस्या है तो समाधान भी है, बस आवश्यकता है निवारण करने का। लोग कहते हैं गुरुजी मेरे पास कुंडली है, कुंडली होने से नहीं होता है। आप देखिए कुंडली की समस्या को निकाला गया है कि नहीं, आपके पास 24 कुंडली है कि नहीं, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ कुंडली बनने से नहीं होता है। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, आपके पोते कुंडली बहुत बढ़िया कुंडली है, थोड़ा सा इसको हम निवारण कर देंगे तो बहुत ही उज्ज्वल भविष्य बचेगा। बिल्कुल, भविष्य उज्ज्वल तो है लेकिन परेशानियां भी कहीं ना कहीं हैं। तो आप गुरुजी की बातों से कहां तक सहमत हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे। जी हाँ, पूरी तरह सहमत है। तो चलिए सहमत हैं आप, तो आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि एक बार कुंडली जरूर बनवा के आकलन पूरी तरह से कराइए, ताकि जो भविष्य उज्ज्वल है वो बना रहे। आगे बढ़ते हैं गुरु जी, कुछ कॉल और उनसे बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। गुरु जी प्रणाम, चरण स्पर्श। जी आशीर्वाद। कुलदीप शर्मा बोल रहा हूँ। कुलदीप जी कहाँ से? गुड़गांव से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 6 जुलाई 1970। 6 जुलाई 1970। टाइमिंग बताइए। 6:10 PM 6:10 PM शाम का। हाँ जी। और बर्थ प्लेस? अलवर। अलवर। आपके पास कुलदीप जी जन्म कुंडली है आपकी? हाँ जी है। अगर अभी मौजूद हो आपके सामने, एक बार से देखते रहिएगा गुरुजी क्या कुछ आपको समझाते हैं, और लाइन पे बने रहिएगा, सवाल मत कीजिएगा कोई। अक्सर हम प्रायः सभी, हम आप सभी मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, क्या वहाँ भगवान मिलते हैं? हम भगवान को देखते हैं, महसूस करते हैं। हाँ जी है गुरु जी। जी भाव नहीं, मैं कुछ और बोल रहा था आपके साथ, मेरा कहने का कुछ और था, अब उसको सुनने का प्रयास करें। मैं क्या कह रहा था कि हम जब कभी भी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो हम भगवान को एक दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं। न भगवान बोलते हैं, न सुनते, न देखते हैं, हम भावना करते हैं, और भावना से ही भगवान मिलते हैं निश्चित रूप से। कहीं भी ये भगवान की बात नहीं है, हम एक श्रद्धा की बात करते हैं कि यदि हम आपसे अच्छी श्रद्धा रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी दंड भी मिलते हैं। जिसे जी कहता है कि हमेशा व्यक्ति को आपस में एक अच्छा संबंध बनानी चाहिए। हमें अच्छा लगता है कि कभी कभी हमारे दर्शक कहते हैं गुरु जी मैंने आपके फोटो जो है, बहुत सारे मांगते लोग कि मैंने वास्तव से फोटो लगा रखा है, जब मैं देखता हूँ मेरा काम बन जाता है। मतलब ये सब क्या है, एक भावना है। कल किसी व्यक्ति ने एक फोन किया, गुरु जी मैं बहुत टेंशन में था, आपका यूट्यूब खोला, मेरा काम फिनिश हो गया। तो ये क्या ऐसा नहीं है, मैं कोई ईश्वरीय शक्ति से नहीं पूर्ण हूँ, लेकिन ये भावना है, आपके साथ एक भावना जुट रही है कि मैंने ये काम किया तो मेरा ऐसा हो गया। हम मंदिर जाते हैं, वहाँ से आते हैं, अरे माँ का दर्शन किए, मेरा काम बन गया। तो कहते हैं कि मतलब हर बात हम थोड़ा भावना से कर सकते हैं। हमारे यहाँ से बार बार हमारे आमिर जी हों या शैलजा जी हों, हमसे आपको हिट करने का प्रयास करती हैं कि इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप प्रयास करें, देखें, उसको सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से हम जब 10 बार मंदिर जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिलता है। आप करेंगे कुछ, आपको जानकारी मिलेगी। बहुत सारे हैं जो लाइव कार्यक्रम में बात नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं, आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आप आराम से अच्छा से उसको देखेंगे। तो हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आप जरूर अवश्य यूट्यूब देखें आचार्य शिवानंद जी टाइप करके, और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको थोड़ा और विशेष डिटेल जानकारी मिले। चलिए हम आप कुंडली की बात करते हैं। धनु लग्न की कुंडली राशि आपके हो रहे हैं कर्क राशि, बहुत सुंदर कुंडली। लेकिन यदि टाइम सही है तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कहूँगा कि आपकी कुंडली से आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब बता रहा है। यदि आपके मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हैं तो आपको 99% आपका टाइम गलत है। आपके पास जो कुंडली है वो कंप्यूटर वाली है या पंचांग वाली है? कंप्यूटर वाली है गुरु जी। जी कंप्यूटर वाली है। आपका बोर्न होम डिलीवरी है या हॉस्पिटल का? मेरे घर का है। घर का है निश्चित रूप से, आपको हॉस्पिटल डिलीवरी नहीं है, होम डिलीवरी है। और अक्सर होता है कि होम डिलीवरी में 4-5 मिनट 10 मिनट टाइम आगे पीछे होता है, मैंने देखा है। ये आपकी बात नहीं है, सबके साथ होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या आपकी वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां भी दे रही है? नहीं ऐसा परेशानी नहीं थी, पहले जब एंगेजमेंट हुआ था तब दिक्कत आई थी, थोड़ा सा शादी के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, बीच बीच में आई थी, बट ऐसा कोई नहीं है जी। मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली में जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में सूर्य मंगल बुध बैठे हुए हैं। सूर्य क्या है? सन इज द फायर। एस्ट्रोलॉजी इज द कंप्लीट साइंस, महसूस कीजिए। सूर्य क्या है? फायर, आग है। मंगल क्या है? मंगल ग्रह आग है। दो दो आग का गोला आपका बैठा हुआ है सप्तम घर में, तो ये क्या करेगा?
आपके पत्नी के सुख को जलाने का प्रयास करेगा, पत्नी का स्वास्थ्य को खराब कर देना, आपसी तनाव दे देना, टेंशन दे देना, और साथ साथ सूर्य से बुध जो है आपका पूर्णतः अस्त है। एक होता है अस्त होना, एक होता है पूर्णतः अस्त होना। जितना सूर्य के पास सबसे नजदीक का बुध ही होता है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट होंगे या हिस्ट्री के तो पढ़े होंगे कि आकाशमंडल में कितने ग्रह हैं, कौन ग्रह कितने डिस्टेंस में है, सारा कंप्लीट साइंस है ये। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध ही होते हैं। तो बुध एस्ट्रोलॉजी में 13 डिग्री के अंदर में वो क्या होते हैं, अस्त हो जाते हैं। लेकिन यदि जितना पास रहे उतना ज़्यादा अस्त हो जाते हैं। तो आपकी कुंडली की जो परिस्थिति बनती है वो बुध जो है आपका 20 डिग्री 5 पॉइंट में है, सूर्य जो है 20 डिग्री 35 पॉइंट में है। इसको बिल्कुल अस्त कहते हैं, अस्त हो जाना। और बुध क्या है, आपकी कुंडली में कैरियर का भी मालिक है और आपका पत्नी का भी मालिक है। तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर में भी प्रॉब्लम देने का प्रयास करेगा। आप जॉब करेंगे? थोड़ा डिस्टर्ब हो। जी हाँ, जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट। क्या बोले? प्राइवेट जॉब करता हूँ गुरुजी। हमें वही बता रहा हूँ आपको कि आपको कैरियर में हमेशा परेशानी करेगा, स्टेबिलिटी नहीं देगा। जबकि रात जो होने के कारण से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। जो परिस्थिति बनता है इस परिस्थिति से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा करियर में, चूंकि क्या हो रहा है, बुध जो है सूर्य से अस्त हो जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करें, प्रत्येक बुधवार, मैं तो किसी को निवारण नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं चाहता कि पूरी 24 कुंडली बना लूँ तब बताऊँ, लेकिन आपके साथ जो समस्या है इसमें सबसे पहले क्या करें आप, बुध मतलब गणेश जी को आप इष्ट देवता बनाएं, इष्ट देव बनाएं, और एक हल्दी की माला से कोशिश करें प्रत्येक दिन ओम गण गणपते नमः का आप अवश्य जाप करें। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर कुंडली में और विशेष समस्या क्या है। चूंकि आपके लग्न कुंडली में और कोई अशुभ योग नहीं है तो हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा आपके दशमांश कुंडली की ओर, जहाँ से हम पूर्ण रूप से देखते हैं करियर को। तो दशमांश कुंडली में आपका चंद्र शनि का बना हुआ 20 दोष और गुरु राहु का चंडाल दोष। पूरे शरीर में जितने पार्ट्स हैं, जितने ऑर्गेन्स हैं, अंग है, सब मेरा ही है। चोट कहीं लगे कष्ट तो हम ही होगा। तो आपकी कुंडली ऐसे भी कहता है कि ऐसे व्यक्ति सात्विक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। आप भले किसी से धोखा खा लें लेकिन आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। आपको लोगों को पहचाने में भूल होती है और आपको वहाँ से मिसिंग मिल जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। तो धनु लग्न की कुंडली में आपके वर्तमान दशा चल रखे हैं चंद्र में बुध का, तो आपको तो इतना तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है 14 से ही डिस्टर्ब है। जून 14 से आपकी परेशानी जो है स्टार्ट हो रखी है, थोड़ा सा बीच में लाभ देता है फिर परेशान हो जाते हैं, और अप्रैल 17 से आपका कंप्लीट निगेटिव जा रहा है जो जुलाई 22 तक निगेटिव रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना, ढंग का जॉब नहीं होगा, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं देना, थोड़ी सी आपसी ट्यूनिंग में डिस्टर्ब होना, आप किसी को अच्छा कर दिए जश नहीं मिलना, मिसिंग धोखा खा जाना, ये परिस्थितियाँ जो है आपके साथ ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो कुंडली को एक बार क्या करें, पूरी आकलन करवाएं, पूरी विश्लेषण करवाएं 24 कुंडली को, और हम आपको तो उसको विश्वास के साथ कह सकते हैं व्हिच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। मैं क्यों कहता हूँ कि किसी भी ज्योतिष से मिलें कभी समस्या ना बताएं, यहाँ पर समय का अभाव होता है जिसके कारण से हम पूर्ण विशेष नहीं कर पाते हैं। ज्योतिषी विद्या ही एक ऐसी है कि ज्योतिष को यदि समस्या बताना पड़ा तो फिर ज्योतिषी रहा कहाँ, कुछ तो ज्योतिष जी पूछ लेते हैं क्या समस्या है बताइए, कुछ लोग दर्शक खुद कह देते हैं कि मेरे साथ ये समस्या है। आप क्यों पूछते हो, आप क्यों बताते हो, कुंडली खुद बताएगा कहाँ क्या हो रखा है। तो आप इसको माने रोटी कपड़ा और मकान की तरह, हर व्यक्ति के लिए इसकी आवश्यकता है निवारण और विश्लेषण, इसका उपाय करें, निश्चित रूप से आपको जो परेशानियाँ हैं अब कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन जरूरत कुंडली दिखाने की। तो आपसे जानना चाहेंगे आप गुरुजी की बातों से कहां तक सहमत हैं? जी सहमत हैं। चलिए पूरी तरह सहमत है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप एक अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, अपनी कुंडली बनवाइए, आकलन कराइए पूरी तरह से, ताकि आप वो उपाय कर सकें जिनसे परेशानी आपके जीवन से दूर हो पाए। आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ कुछ कॉल और हमारे साथ जोड़ के उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी जी जी, नाम बताइए अपना। नाम बताइए। हेलो हाँ जी, किरण जी कहाँ से बात कर रही हैं? नीरज हम बोल रहे हैं। नीरज, नीरज कहाँ से? हम बोल रहे हैं रांची। रांची से, डेट ऑफ बर्थ बताएं जल्दी से। डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1977। 9 मार्च 1977, टाइमिंग बताइए। टाइमिंग है 10:55 रात्रि। 10 बजे रात्रि। हाँ, और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है सर पांकी पलामू झारखंड। नहीं 10 बजे है कि 10:55 है, आपने लगा मुझे 10:55 रात्रि है सर। तो इन्होंने पूछा 10 बजे याद कर रहे। हाँ, और 9 मार्च 1977 को जन्म है सर। जी जी, बर्थ प्लेस बताइए दोबारा, रांची में कहाँ बताया आपने? पांकी पलामू। नीरज जी, कुंडली बनी है आपकी? जी कुंडली नहीं बनी है सर। तो बनवा लीजिए, पूरी लाइफ खराब है आपकी, गोल है,
बुरा मत मानना मेरी बातों को, मैं सच्चाई से पीछे नहीं भागता। आपकी यदि टाइम सही है तो पूरी की पूरी लाइफ आपकी खत्म है, और आपने कुंडली भी नहीं बनवाई है, सिर्फ ज्योतिष से बात करते हैं, बात करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न का है, और इस कुंडली में भाग्य का मालिक चंद्रमा जो द्वादश घर में चंद्र राहु के साथ ग्रहण योग लगा दिया है, जब कुंडली बनवाएंगे तो देखेंगे कि चंद्रमा के आगे पीछे बिल्कुल खाली, पूरी लाइफ खाली। सीधी सी मेरी लॉजिक, जिनकी कुंडली में खास के मुख्य कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे खाली हो गया, मैंने देखा है उनकी पूरी लाइफ खाली कर देता है। और आपकी कुंडली क्या है, वृश्चिक लग्न की, 8 नंबर से 8 नंबर को जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको एक एक अंक गिरता जाएगा। 8 × 2 = 16, 1 = 6 = 7, 8 × 3 = 24, 2 = 4 = 6, 8 × 32 = 3, 2 = 5, 8 × 5 = 4, इस तरह से 8 स्टेज तक गिरते गिरते एक पर पहुंच जाएगा। तो ये गणना कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लाइफ गिरते जाएगी और आपकी समस्याएं भी बढ़ते जाएंगे, और भविष्य में कोई न कोई केस मुकदमा में फंस के परेशान हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति खटते हैं 18 घंटे का तो फल मिलता है 1 घंटे का, सब कुछ रहते आपको सुख नहीं होने देगा। लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ कन्फ्यूजन, डालमा में रहना, क्या करूँ नहीं करूँ, और वे वजह आप बैल मुझे मार कर देगा। जैसे को हमेशा क्राइम करने वाला जेल नहीं जाता है, अधिकतर लोग ऐसे भी जेल चल जाते, कस्टडी हो जाते, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, किया ही नहीं। वो क्यों ऐसा होता है, ग्रह खींच के ले जाता है। तो आपके द्वादश घर में जहाँ से जेल यात्रा का योग बनता है, जहाँ से विदेश जाने का योग बनता है, वहाँ पे चंद्र राहु का ग्रहण योग लगा हुआ है, और वहीं से बना हुआ है केंद्रम योग, तो आपकी पूरी लाइफ की लाइफ खराब कर देगी यदि आपने निवारण नहीं किया। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्यों जा रहा है, दशा का क्यों, यदि आपको दशा सपोर्ट करेंगे तो निगेटिव योग का उतना असर नहीं पड़ता है, और जब दशा निगेटिव आते हैं ना तो दोनों मिलकर तबाह कर देते हैं। तो आपकी कुंडली में जो परिस्थितियाँ चल रखा है वो 2013 से आपके समस्या चल रहा है, मतलब ये कुंडली कह रहा है कि आप 6 वर्षों से धीरे धीरे परेशानी में घिरते जा रहे हैं, घिरते जा रहे हैं, घिरते जा रहे हैं, और उपाय नहीं करेंगे तो 2024 के अक्टूबर तक आपको इसी तरह परेशान करेगा और आप धीरे धीरे चले जाएंगे डिप्रेशन में। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपकी कुंडली में जैसा गुरु जी ने भी बताया, तो कहाँ तक आप गुरु जी की बात से सहमत हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे, जल्दी से बताइए। कुछ नहीं बताया गुरु जी, तो बस अपना चालू। आपको बहुत कुछ बताया, शायद आप ढंग से सुन नहीं पाए कि दोस्तों ये कैसा आपको तो मैं इतना कहा कि केमदून जगह आपकी पूरी लाइफ खराब हो रखी है, हर चीज को बनते बनते काम को बिगाड़ देगा, तो क्या मैं बताऊं, बताइए। बिल्कुल, आपने कहा कुछ नहीं बताएं, इसका मतलब आपका टीवी खराब है, आवाज नहीं मिल रही है आपको, ये सारे लोगों का मार्ग बन चुका है कि उपाय जानना, खाली मकसद लोगों का ये बन चुका है कि उपाय बता दे जाए तो सब कुछ। जब तक प्रॉब्लम नहीं निकलेगा अमित जी भाई, होगी क्या, उपाय करने का कोई फायदा नहीं होता, नहीं मानेंगे परेशानी आपको होगी, परेशानी उठानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो यही लोगों के जो मन के अंदर गलतफहमी दर्शक आप सभी के अंदर बन चुकी है। सबसे बड़ी बात है आमिर जी, इन्होंने अभी तक कुंडली भी नहीं बनाई है, इन्होंने कहा मेरे पास कुंडली है ही नहीं, तो जब आप कुंडली बनाओगे नहीं तब समझ में क्या आएगा। एक तरह से लोग अंधकार में वो समझते हैं कि हम गुरु से बात कर लिए मेरा काम बन गया, नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो जब तक नहीं मिलेंगे लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, ज्योतिष से मिलकर कुंडली बनवाएंगे वही आपको बता पाएंगे, खाली उपाय करने से जीवन नहीं बदलता, कुंडली का आकलन कराना बेहद जरूरी है। और रही बात दोस्तों इस कार्यक्रम में, तो लगातार ये सब कुछ आपको जानकारी मिलती रहती है, आप लोग हमारे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, आचार्य शिवानंद जी के नाम से गुरु जी का चैनल है, जहां पर आपको जाकर तरह तरह के उपाय मिल पाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट गुरु जी के चैनल पर मिलती रहेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरु जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। दर्शकों से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिनको ये कार्यक्रम में फोन नहीं लग पा रहा, जैसे आपकी संतुष्टि नहीं मिली, तो आप कल हमसे 9 बजे बात कर लेंगे। हम प्रत्येक दिन 9 से 10 अपने मोबाइल नंबर पर 1 घंटा हम आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ी बातों को फॉलो करें, यदि फॉलो नहीं करेंगे आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। जिन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम कह रहा है यहाँ पर विराम देने का, जय माता दी, जय माता दी। दर्शकों, क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन पत्रिका के साथ ₹11,000, आजीवन सदस्यता ₹25,000, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257 9026,
IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।